आपने बोला था 3 लोगों का खाना बनाना, आपके 10-10 लोग पड़े रहते हैं, मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। देखो 1-2 दिन का हो जाता है, रोज रोज का नहीं होगा। और अगर आपको बनवाना है ना तो पैसा ज्यादा दें। और ये आपके बच्चे पता नहीं घूमते रहते। दीदी स्लैब तो मैं साफ नहीं करूंगी, स्लैब की बात नहीं हुई थी, बस नीचे नीचे फर्श की बात हुई थी। देखो पूरी बारिश अभी पोछा लगाया था, इसको भी अभी बरसना था। मैडम भटकती हुई आएगी, दोबारा पोछा लगा दे, वापस से काम करो, मेरी किस्मत ही खराब है। दीदी आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, आपको शाम को भी आना पड़ेगा। दीदी आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी शाम को, क्योंकि वो मेरी बहन के छोरे का बर्थडे है ना, तो मेरे को वहाँ पार्टी में जाना है, तो मैं आज तो नहीं आ पाऊंगी, आप एडजस्ट कर लेना। दीदी देखो बर्तन की बात हुई थी, तो बर्तन आप है ना सिंक में रख दिया करो, क्योंकि मेरे को ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं, तो ये मैं नहीं करूंगी कि मैं ढूंढ ढूंढ के फिर लाऊं, ठीक है। दीदी ये वाले कमरे की तो बात ही नहीं हुई थी, आपने बोला था सिर्फ 2 रूम है, ये तो मैं नहीं करूंगी। दीदी वो कल से ना मैं 11 बजे आऊंगी, क्योंकि वो पड़ोस वाले भैया शिफ्ट हुए ना, उन्होंने बोला कि आपको आना है, तो 11 बजे तो मैं उनके जाऊंगी, आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। दीदी ये वाले पोछे से तो ना पोछा नहीं लग रहा, उल्टा गंदा हो रहा है, वो गोल गोल वाला है ना वो लेके आओ ना, उससे बड़ा अच्छा लगता है। दीदी गानों की आवाज कम कर लो ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दीदी देखो मेरे को ना गानों के बिना काम नहीं होता, गाने तो चलेंगे अगर आपकी सर्द, आप अंदर जाके आराम कर लो ना दीदी। हेलो दीदी वो आज ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी आज, आप एक काम करना, आप आज थोड़ा देख लेना काम का, ठीक है। ठीक है